हेलो जी, वेलकम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति और ये है हिंदी कहानियाँ चैनल। हमें मानव जीवन मिला है, इसलिए हमारे हृदय में सभी के लिए सहानुभूति होनी ही चाहिए, चाहे वो घर का नौकर ही क्यों ना हो, वो भी तो इंसान ही है। लीजिए पेश है ये कहानी। एक बार एक व्यक्ति संत के सामने आकर खूब रोया। संत बोले, क्या हुआ गुरुजी? मैं क्या बताऊं, मैं एक सेठ के यहाँ नौकरी करता हूँ। वो सेठ बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। सेठ की साड़ी की दुकान है, उनके चार बेटे हैं, सभी साथ में काम करते हैं। एक दिन मैंने साड़ी की चोरी कर ली और ये दृश्य सेठ जी के बड़े बेटे ने देख लिया। चारों भाई दोपहर के खाने में साड़ी की चोरी की बात कर रहे थे कि आज जांच पड़ताल की जाएगी। बड़े सेठ ने अपने लड़के की बात सुन ली। सेठ ने कहा, मैं तुम सब में सबसे बड़ा हूँ, जब तक मैं हूँ तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं शाम को दुकान पर आता हूँ। पिताजी आप मत आइए, आप कुछ नहीं समझते। सेठ ने कहा, तो क्या तुम लोग सब कुछ समझते हो? हम में बड़ा कौन है, तुम या मैं? तुम लोग 30-40 वर्ष के हो, पर मैं 70 वर्ष का हूँ। मैं शाम को दुकान पर आऊँ, तब तक तुम कुछ मत करना। नौकर को पता चल गया कि साड़ी की चोरी के कारण उसकी जांच पड़ताल होने वाली है। वह डर गया। शाम को सेठ आए, उन्होंने अपने बड़े लड़के से पूछा, तुम 1 महीने में दुकान से कितने रुपए उठाते हो? वो बोला 2500। दूसरे ने बोला 2200। तीसरे ने बोला 2000 और चौथे बेटे ने बोला 1500 रुपये। सेठ ने पूछा कि और इन नौकरों की आमदनी कितनी है? किसी के 500, किसी के 300, किसी के 200 रुपये। तब सेठ बोला कि तुम भाइयों में किसी की भी आमदनी का आंकड़ा 4 अंकों से कम का नहीं है और नौकरों की आमदनी 3 अंकों से अधिक नहीं है। क्या तुमको पीने को दूध चाहिए, खाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाने में फीस चाहिए? तो क्या ये सब इन्हें नहीं करना होता होगा? तुम लोगों को 2500 भी कम पड़ते हैं, तो क्या वो इनका काम 250 रुपये में कैसे हो? परिवार, पेट, बीमारी, महंगाई, ये इनके साथ भी तो है, फिर आमदनी के स्तर में इतना भेदभाव क्यों? ये नौकर चोरी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? और जब चोरी करते ये पकड़ाते हैं तो तुम सब इनकी जांच पड़ताल की बात करते हो? तुम लोगों को शर्म नहीं आती? अपराधी नौकर नहीं, तुम स्वयं हो। सेठ ने के चारों बेटों को अपनी गलती समझ में आ चुकी थी। उसी दिन से सेठ जी ने काम करने वाले नौकरों की आमदनी को बढ़ा दिया। ये सारी बातें नौकर ने सुन ली। वह दौड़ता हुआ आया और सेठ के चरणों में गिरकर रोने लगा, आप मुझे माफ कर दीजिए। तब सेठ ने उसे अपनी गले लगा लिया। जिन नौकरों से आपको काम लेना है उनका हृदय जीते, वो उन्हें खुश रखे, तभी वो आपको अपने काम से खुश रख पाएंगे। कैसी लगी कहानी, कमेंट करके बताइए। कहानी को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही। धन्यवाद।